ये हमारी ओल्ड ट्रंक है, 1985 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना सामान रखने के लिए लिया था और बाद में भी यूज़ में थी। अभी इसको हम चक्का लगाने वाले नीचे, तो ओमकार को मेरा लड़का है, मैंने गाइड कर दिया है कि क्या करने का है। नीचे लकड़ा लगाएगा, लकड़े के बेस के पे फिर कैस्टर व्हील्स लगाएगा, तो वो अपना समझने के बाद काम करा है। अभी वो लकड़े का जो बेस है जिसके पे कैस्टर व्हील माउंट होने वाले है वो तैयार कर रहा है। इलेक्ट्रिकल हैक्सर से वो प्लाईवुड कट कर रहा है। उसने सेफ्टी मास्क और सेफ्टी गॉगल भी लगा लिया है। बेस पोजीशनिंग करने के लिए डबल साइड टेप का वो टेम्पररी सहारा ले रहा है। ये कैची खराब है, मैं इसको अच्छी कैची देता हूँ। ये ले अच्छी कैची। ये पेटी का नीचे की साइड है, ओपन होने वाली साइड नीचे है। एकदम दबा के ये वर्किंग बेंच तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे स्टूल पर रख के काम करते हैं। बहुत पुराने पेटी है। बेटू ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो तेरे को झुक के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 1985 में मैंने ये लिया था तो बेचने वाले ने बोला था ये जापान मेड गैल्वेनाइज स्टील के प्लेट से बनी वाली पेटी है और सालों साल अच्छी रहेगी। और देखिए आप, इतना अलग अलग एनवायरनमेंट रहने के बाद अभी तक इसको जो ओरिजिनल प्लेट से शीट मेटल है उसको अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है। अभी ये बाहर ओपन एनवायरनमेंट में काफ़ी साल थी, इसके इंडिया में बने जो फिटिंग्स है वो रस्ट हो गए हैं। फिटिंग्स यहाँ रस्ट हो गए लेकिन पत्रा रस्ट नहीं हुआ है। चलो इसको बिट्टू अंदर से भी स्क्रू लगा देते हैं और घुमा के। नीचे की वुडन यानी प्लाईवुड की जो पट्टी है उसका पोजीशनिंग और जहाँ स्क्रू आएंगे वो हमने अभी मार्क कर लिया है दोनों साइड में। अभी इसको हम पंच से इसका पोजीशनिंग फिक्स करते हैं, फिर सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू से इसको थ्रेड करेंगे। इसकी आइडिया ऐसे कि ये पेटी जो बाहर कपड़े में पड़ी थी इसको घर में अपने हॉल में थोड़ा पेंटिंग वगैरह करके एक
स्टोरेज करके भी यूज़ करोगे डेकोरेटिव पीस और ऊपर बैठने के लिए भी हो, इस तरह से आइडिया है। तो इसको नीचे घसने का जो आवाज़ आता है पत्रे के होने के कारण, तो कैस्टर भी लगा रहे हैं। अभी जो एफर्ट शुरू है, एक्सरसाइज शुरू है, वो इसको कैस्टर भी लगाने के लिए शुरू है। ये आधा इंची सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू है, मार्केट में मिलते हैं। ये जो अंदर से अभी पंच करा है वो होल में, ये सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू से हम नीचे की प्लाईवुड की पट्टी फिक्स कर देंगे। सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू से नीचे स्क्रू जा रहा नहीं है, एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो अभी मार्किंग किए हैं वहाँ हमको ड्रिलिंग मशीन से छेद करना पड़ेगा। ये बीट है, पहला बीट जो है लेफ्ट साइड में वो कंक्रीट में का है, और दूसरा जो है मेटल या वुड में का है। तो हमको ये बीट लगेगा। पंच मार्क हो गए है, उसके में सिर्फ ड्रिलिंग करने का है। हैमर के पोजीशन पे था, रेगुलर पोजीशन पे किया। देखो एकदम वर्टिकल पकड़ती है, नहीं वर्टिकल बोले 90 डिग्री सरफेस। तो नहीं, वो शायद उस पर काम नहीं कर रहा है। हमको बड़ा बीट लगा के केयरफुली करना पड़ेगा, ज्यादा डीप नहीं करना पड़ेगा। चल देखते हैं उससे, वो बीट ने काम नहीं किया। फिर से हम पुराना बीट, बहुत ऊपर से बिट्टू 1/2 इंच एकदम मार्किंग कर ले उसको। एक थ्रेड नहीं, हाँ बस उतना ही मार्किंग कर ले बस। ये मार्किंग से पता चलेगा कि कितना डीप जा रहा है। एकदम पत्थर को होना चाहिए, बस वर्टिकल एकदम। पनिक पत्र है, थोड़ा तकलीफ हो रही है। हाँ सब इसको मार्किंग कर लो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए रे, नहीं सिर्फ पत्थरे को ये करना चाहिए। नहीं हो रहा है, दबाना थोड़ा, प्रेशर लगा। पंच मार्क क्या घस गया, पिघल गया बिट, पिघल गया। जापानीज गैल्वेनाइज किट ने हमारा बीट को पिघला दिया, काम नहीं कर रहा है। छेद मार के हो गए हैं, कंक्रीट के बीट से मारना पड़ा। अभी स्क्रू हम अंदर से लगा रहे हैं जिससे नीचे की लकड़ी की पट्टी फिक्स हो। ये सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू है, मार्केट में मिलते हैं।
ऊपर भी बिच बिल्कुल बैटरी गई, बैटरी चार्ज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्क्रूड्राइवर की बैटरी ख़त्म हुई थी, चार्ज करने रखा है और अपना कन्वेंशनल स्क्रूड्राइवर से काम चालू है। ये प्लाईवुड बेस जिसके ऊपर हम कैस्टर्स माउंट करने वाले वो रेडी हो चुके हैं। अंदर से हमने इसको स्क्रू लगा दिया है आधा इंच का और कैस्टर्स ऐसे मार्केट में मिलते हैं, कैस्टर व्हील्स जो जिसको चार स्क्रू से माउंट होता है स्क्रू के साथ मिलते हैं। ये अभी हम माउंट करने वाले हैं इसको ऐसा, इस तरह से चारों सिंपल काम है। इसको भी थोड़ा छेद गिराना पड़ेगा केयरफुली। ये चारों के चारों रिवॉल्विंग कैस्टर से तो घुमा के दिखाओ कैसे चारों घूमते, ऐसा हाथ में लेके घुमा के दिखा। ये ऐसा यानी जब आप इधर उधर पोजीशन चेंज करते हो तो चारों के चारों रिवॉल्विंग होने के वजह से मूवमेंट को तकलीफ नहीं आएगी। तो ये ऐसा हम अभी माउंट कर देते हैं। इसके बाद का आइडिया इसका, इसको एक थोड़ा पॉलिश पेपर मार के वाइट कलर मारेंगे और फिर डेकोरेशन कुछ होता है क्या देखेंगे। चलो का मार्किंग कर लेते हैं। ड्रिलिंग मशीन से थोड़ा थोड़ा थ्रेड मार लेते हैं क्योंकि सेल्फ थ्रेडिंग मशीन है। हाँ बिट्टू, वो सेल्फ थ्रेडिंग है, चला जाएगा। स्क्रू से कैस्टर्स को फिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने अभी 9 इंच स्क्रू यूज किया है दो कॉर्नर्स पे आधा इंच यूज करेंगे। ये इसलिए कि हमारे पास बड़े स्क्रू अभी स्टॉक में है नहीं। तो बड़ा ही लगेगा आगे जाके, तो अभी दो लगा दे, बाकी अपन दुकान में जाके बड़ा लगेगा, नहीं लग रहा है निकल दे उसको। उसको थ्रेड लास्ट थोड़ा सा एक दो सूत रहता है ना थ्रेड, अभी हर एक को दो दो बड़े स्क्रू लगा दे, बाकी मार्केट से लाके बच्चे लगा देंगे। ग्रुप का प्रोविजन हो गया था और चारों कैस्टर सभी फाइनलिटी अटेंड कर रहे हैं, लग जाएंगे। ये वर्क स्टेशन है, वर्क टेबल है, यहाँ सब चीज़ें रखी रहती है जो हमको हार्डवेयर के लिए काम आती है। कटर्स, ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिलिंग मशीन, हैक्सॉ, सर्कुलर सॉ भी है दूसरे ठिकान में रखी, ये सब चीज़ें रहती है। ये अभी ऊपर सामान ऐसे रखा है, अदरवाइज हम यहाँ हम समझ
हार्डवेयर का काम इधर करते हैं, अलग से बेंच नहीं, तो ये स्टूल जो है वो हमारा बेंच करके काम आता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये पेटीक्योर पे ये पेंट लगने वाला है, ये वॉल पेंट है, वाटर सोल्यूबल प्रीमियम इमल्शन एप्कोलाइट का, एशियन पेंट्स का। हम ऑयल पेंट नहीं मार रहे क्योंकि वो चमकता है और आँखों को इतना शुद्धि नहीं रहता। ये वॉल पेंट है, ये जो है इसको शाइनिंग या ग्लेजिंग नहीं रहती, लेकिन एक टाइप का फ्रेशनेस रहता है। यही इस पेटी पे यूज़ करेंगे एज अ बेस पेंट, उसके ऊपर आगे समय मिलेगा तो कुछ वारली पेंटिंग या कुछ मधुबनी पेंटिंग जैसा पेंटिंग भी करने का ट्राई करेंगे, जो कि हम दूसरे पेंट से, कलर्ड पेंट से करेंगे। कैस्टर्स लग गए और वर्किंग भी हो गए हैं, कोई भी डायरेक्शन में इजीली मूव है, लेकिन ये जो सरफेस है वो बहुत साल से गंदा है, तो उसको मैं अभी रब करूँगा पॉलिश पेपर से, पेंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। मिलते हैं पूरा रब होने के बाद। तो ये ट्रंक जो है पॉलिश करके, व्हील लगा के पेंट मारने के लिए रेडी है। के दो कोट कम से कम लगेंगे बिट्टू। हाँ नहीं, अभी साइड में भी मार लेते ना, हम मार दे, वैसा गिराना मत पेटी स्टैंड पर से। रुचि ने मास्किंग टेप से ज्योमेट्रिकल पैटर्न टॉप के ऊपर तैयार किया है। पहले टॉप का पेंटिंग शुरू है, उसने पेंसिल से पहले ही मार्क कर लिया है कि कहाँ ऑरेंज कलर, कहाँ येलो कलर, कहाँ ब्लू कलर, कहाँ ग्रीन कलर आए, और मार्किंग के हिसाब से वो अभी ये कर रही है ओंकार, उसको स्टर करके, क्योंकि ऑयल के जब हम कैंस लाते हैं तो ऊपर ऊपर ऑयल रहता है, तो हर एक कैन को स्टर करके यूजर रेडी कर दिया है। अभी ओमकार को मम्मी का काम कुछ पसंद आया ऐसा लग रहा नहीं है, तो उसने मम्मी के हाथ से कलर का ब्रश ले लिया है
और वो उसका एक्सपर्टाइज दिखा रहा है, सिखा रहा है वो मम्मी को, और वो फटाफट 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 करके दिखा रहा है। माँ बेटा काम पे लगा है कलर मारने के, और कुछ आर्गुमेंट शुरू है छोटे छोटे, दो नॉर्मल उन्होंने जो मार्किंग की है शायद उसमें डिस्प्यूट है, ब्लू है कि ब्लैक है करके। ब्लैक को बीएल, अरे रुचि बीएल एन ए ब्लैक भी हो सकता है, बीएल एन ए ब्लू भी हो सकता है, इट इज राइट, कन्फ्यूजन तो है। अच्छा बीएल फॉर ब्लैक, बिट्टू मान ले। अच्छा ठीक है रुचि, दोनों में से कोई तो भी आएगा, नजदीक नजदीक नहीं आना चाहिए। पेटी तैयार हो रही है, काफी काम बाकी है, अभी भी लगे दो दो सोल्जर्स काम पे लगे। फिनिश, कलरफुल 1985 की लोखंड की गैलोनाइज आयरन की ट्रंक अभी चकाचक नई हो गई है, न्यूली जब लाइफ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए।